नमस्कार, मैं हूं विभूति पांडे और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज इंडिया। आज हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी पर और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। कल राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके दो मुद्दे थे। एक तो अर्नब गोस्वामी और उनकी व्हाट्सएप चैट, और दूसरा था किसान बिल। किसान मुद्दे पर क्या हो रहा है, रोज मीटिंग हो रही है और मीटिंग के बाद एक फ़ोटो आ जाती है, लंच की फ़ोटो आती है, चाय पीने की फ़ोटो आ जाती है, उसके बाद जो है अगली तारीख की चर्चा होने लगती है। खैर, ये तो कहानियाँ चली रही हैं। अब हम बात करते हैं अर्नब गोस्वामी पर। जैसा कि आपको पता है कि टीआरपी घोटाले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। उस जांच के दौरान मुंबई पुलिस को अर्नब गोस्वामी की 500 पेज की एक व्हाट्सएप चैट हाथ लगी है। उस चैट को अगर गौर से देखें तो उसमें ये है कि अर्नब गोस्वामी को बालाकोट, पुलवामा और धारा 370 जैसे मुद्दों की जानकारी समय से पहले लग गई थी। राहुल गांधी ने कल कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए कि जिस विषयों की जानकारी, क्योंकि इतने संवेदनशील मुद्दे हैं जिनकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, एनएसए और वायुसेना प्रमुख को होनी चाहिए थी, वो जानकारी एक पत्रकार तक कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई और इसके क्या सियासी फायदे नुकसान हुए, और इस जानकारी को साझा करने के पीछे का मकसद क्या था, ये उन्होंने सवाल उठाए। अब उनके सवाल उठाते ही फिर सरकार ने काउंटर करना शुरू किया, जबकि ये इस मुद्दे पर सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, क्योंकि मामला राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, राष्ट्र हित से जुड़ा हुआ है। सेना और सरकार के बीच का जो एक समन्वय होता है, जो एक विश्वास की कड़ी होती है, उस कड़ी से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये कॉन्फ्रेंस सरकार को करनी चाहिए थी। सरकार को अर्नब गोस्वामी को कटघरे में रख के पूछना चाहिए था कि तुमको ये जानकारी किसने दी, कहाँ से प्राप्त हुई और तुमने ये जानकारी आगे किस किस को फॉरवर्ड की, उस फॉरवर्ड पीछे को आगे करने का मकसद क्या था। आखिर अर्नब गोस्वामी ने इस चैट की चर्चा पार्थोदास गुप्ता से की, अब पार्थोदास गुप्ता उसको आगे चर्चा किए होंगे, नहीं किए होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा। ठीक है, अब तो अभी एक ये तो एक एनआईए जांच या हायर लेवल की जांच का विषय हो चुका है कि अर्नब गोस्वामी को उससे पूछा जाए कि तुमने ये जानकारी किस किस को दी, लेकिन नहीं, अभी तक इस मुद्दे पर किसी भी विश्वसनीय सरकारी एजेंसी या सरकार की किसी भी नुमाइंदे ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। ठीक है, तो जो अब मामला जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अभी ये मामला सोशल मीडिया पे है या मीडिया प्लेटफॉर्म पे रही है, अभी इसकी कोई एथेंटिक प्लेटफॉर्म पर नहीं गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आगे ये मामला, चूँकि विपक्ष इस मामले को उठाता जा रहा है, तो ये मामला उठेगा, ये जवाब देना पड़ेगा अर्नब गोस्वामी को कि तुमको ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई। अब बड़ी विडम्बना देखिए, जब से ये खुलासे हुए, अर्नब गोस्वामी बचाव की मुद्रा के बजाय, या मतलब उनको एक गिल्टी महसूस होनी चाहिए कि मेरे से गलती हुई, मैंने जो है राष्ट्र सुरक्षा से के साथ समझौता किया या कहाँ कहाँ दिया, ये उनको बताना चाहिए। तो इसके परे उन्होंने एक आक्रामक मुद्रा में आ गए, जैसा कि आप उनका जानते हैं, भारत पूछता है उनका एक प्रोग्राम है, उसमें अब वो एक नए सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि कांग्रेस ही प्रोपोगंडा कर रही है, कांग्रेस अपना इसमें स्वार्थ खोज रही है। अब सवाल ये उठता है कि फोन तुम्हारा, चैट तुम्हारी, पार्थोदास गुप्ता तुम्हारा दोस्त, तो कांग्रेस का इसमें कहाँ से हाथ आ गया। ठीक है, लेकिन इस सवालों के जवाब वो नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें चैनल में दर्जन भर पैनलिस्ट बुलाते हैं, उन पैनलिस्टों को, या तो हमें तो लगता है बाकायदा पहले से ट्रेनिंग दी जाती होगी, तुम ऐसा बोलना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, मतलब कुल मिला के आधा एक घंटा माहौल गर्मा के रखना है। ठीक है, उसके बाद भारत माता की जय, जय हिंद बोलते हुए बाहर आ जाना है। ठीक है, तो अब अर्नब गोस्वामी अपने परंपरागत स्टाइल में, जो उनका स्टाइल है, मतलब खुद को राष्ट्रभक्त कहना और दूसरों को आरोप लगाना, उस आरोप पे काम करने लगे। लेकिन सवाल तो बनता है, ठीक है, सवाल देना पड़ेगा, सवाल बनता है, उसका जवाब देना पड़ेगा कि अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी किसने दी, और अर्नब गोस्वामी ने पार्थोदास गुप्ता के अलावा किन किन को ये जानकारी आगे फॉरवर्ड की। ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि अब सवाल विपक्ष पूछता है, लेकिन जवाब उसको शायद ही कभी मिलता हो, और ये तो गनीमत है कि किसान बिल के बहाने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थोड़ी बहुत चर्चा हो भी गई, जो कि सामान्यतः होती नहीं है। और राहुल गांधी को भी भ्रम है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपनी बात देश तक पहुँचाते हैं, जबकि पहुँचती कुछ है नहीं। ठीक है, क्योंकि सरकार एक, मतलब जैसा कि एक आप जानते हो गोदी मीडिया के, एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मतलब कि जो बात उनको पहुंचानी है वही पहुंचेगी। आप विपक्ष की आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी, तो सोशल मीडिया का शुक्रगुजार करिए, एमएमसी न्यूज इंडिया जैसे चैनलों का गुजार करिए, शुक्रगुजार है कि जो आपको मतलब क्या घटनाएं और घट रही वो आपको पता चल जाती हैं। ठीक है,
तो खैर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब सरकार को काउंटर करना था तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब प्रकाश जावड़ेकर से एक पत्रकार ने राहुल गांधी और अर्नो गोस्वामी के संदर्भ में सवाल पूछना था, तो प्रकाश जावड़ेकर जी ने जवाब देने की बजाय उसको ये कह दिया कि भाई तुम ऐसा आईबी मंत्रालय आओ। तो अब पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आईबी मंत्रालय गया होगा कि नहीं गया होगा, कुल मिलाकर उसको जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो उन्होंने किसान मुद्दे पर वही पुराना जवाब दे दिया कि सब कांग्रेस का किया धरा है और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, ये सारी बातें कह दी। लेकिन ये है कि इन सब बातों से या पल्ला झाड़ने से सरकार दोषमुक्त नहीं हो जाएगी ना, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब बनेगा और जवाब देना ही पड़ेगा अर्नो गोस्वामी को, क्योंकि मामला जो है उतना हल्का है नहीं जितना हल्का हम और आप समझ रहे हैं। एक अविश्वास की खाई मतलब कम से कम सेना और सरकार के बीच में तो खड़ी हो ही गई है, कि जो जानकारी मतलब इतनी महत्वपूर्ण थी वो जानकारी एक आम पत्रकार को कैसे लग गई। ठीक है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले दिनों पे इस पे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल अर्नो गोस्वामी जी महाराष्ट्र में नहीं है ऐसी सूचना है, और 29 जनवरी तक चूंकि हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, तो 29 जनवरी तक तो आप मुश्किल ही है कि उनसे कुछ पूछताछ होगी, चूंकि चार्जशीट दाखिल नहीं होगी। तो 29 जनवरी तक आप इंतजार करिए, लेकिन ये मान के चलिए कि इस तरह की घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं। पत्रकार अब बहुत जानकारी रखने लगा है, जो जानकारी उसको नहीं होनी चाहिए समय से पहले वो जानकारी रखने लगा है, और जो मतलब राष्ट्रवादी चैनल है जो अपने आप को एक तो एक आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि राष्ट्रवाद और गैर राष्ट्रवाद पत्रकारिता। मतलब पहले तो था कि पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता होती थी, ठीक है, उसमें राष्ट्रवाद शब्द नहीं जुड़ता था, अब राष्ट्रवादी पत्रकार एक नया वर्ड आ चुका है, मतलब इसकी क्या परिभाषा है हम नहीं जानते हैं, वो तो भगवान ही जानेगा, लेकिन ये एक नया ट्रेंड सेट हो गया है। तो अर्नो गोस्वामी एक स्वघोषित राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, जैसा कि वो कहते हैं राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है, ठीक है, वो कहीं से भी राष्ट्रवाद की परिभाषा को या राष्ट्रवाद को कहीं से भी मेल नहीं खाती हैं, तो इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। और आपको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा पत्रकार आम आदमी के मुद्दे हों, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उसकी उसकी चर्चा नहीं करेगा ना, उसको उसकी जानकारी होती है कि देश में हो क्या रहा है, लेकिन उसको ये जानकारी जरूर हो जाती है कि बालाकोट में क्या होने वाला है, पुलवामा में क्या होने वाला है, धारा 370 कब हट रही है, क्यों हट रही है, ये सारी जानकारियाँ उसको हो गई है। खैर आप लगे रहिए, देखते रहिए आपके आसपास क्या हो रहा है, और अगर हो सके तो थोड़ा सा सजग हो जाइए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाने से रही है। ठीक है, तो खैर इसको आप देखिए और इस पे पल पल की अपडेट देखते रहिए कि हो क्या रहा है, और चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये सारी जानकारियाँ आपको एमएमसी न्यूज़ इंडिया जैसे चैनल ही आपको बताएंगे, न्यूज नेशनल मीडिया तो आपको बताने से रही। तो खैर चलिए, आज की चर्चा हम खत्म करते हैं, और भारत माता की जय बोलते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और आपके जो सवालात हों या कुछ पूछना हो तो उसको कमेंट कर दीजिए, और चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारा आगे का वीडियो मिलेगा।